नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्पोर्ट्स अजमेर में। ऑफिशियल के द्वारा टॉस, एक तरफ है टीम चौगान स्टेडियम और दूसरी तरफ है बजरंग कलम जयपुर। बजरंग कलम जयपुर कोर्ट इधर है। यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल है, 10-5-10 का मुकाबला होगा। एक तरफ है चौगान स्टेडियम और दूसरी तरफ है बजरंग कलम जयपुर। दोनों ही अलग अलग ग्राउंड पर तैयारी करती हैं, लेकिन दोनों काफ़ी सजी हुई टीमें हैं। ये जो टीम सामने है ये बजरंग कलम जयपुर है और दूसरी तरफ है चौगान स्टेडियम। मुकाबला काफ़ी कड़क होने वाला है। दोनों ही फाइनल में प्रवेश करने के लिए लड़ेंगी इस मुकाबले में, और जो इस मुकाबले में जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। यह जो सामने टीम है ये पिछला जो बाबूजी मेला कबड्डी प्रतियोगिता उसकी फाइनलिस्ट टीम है, ये रामने डाणी। और ये एक तरफ सामने है टीम चौगान, काफ़ी बार आमने सामने हो चुकी है और एक बार फिर से आपके आमने सामने होगी ये सेकंड सेमीफाइनल। रेड पर रोहित, अभी तक के किफायती रेडर चौगान स्टेडियम का रेडर रोहित। डिफेंस काफी मजबूत है बजरंग कलम जयपुर का, पिछले काफी मुकाबले अपने डिफेंस के दम पर जीते हैं इन्होंने। छह नंबर जर्सी में बजरंग क्लब का ये खिलाड़ी चौगान के कोर्ट पर। डिफेंस काफी एक्टिव है इस टीम का। राहुल को बाहर जाना पड़ेगा भाई, कवर की जोड़ी को तोड़ा है यहाँ पर छह नंबर ने। रेड पर है अनुज, यहां पर राहुल ने काफी एडवांस टैकल किया है भाई, कॉम्बिनेशन टैकल। एक बार फिर से छह नंबर जर्सी, पिछली रेड में इन्हें कवर पर खड़े राहुल को आउट बाहर किया था। यहाँ पर लोकेश ने डबल थाई होल्ड किया है भाई और बाहर किया है छह नंबर जर्सी को, जो पिछली बार जिसने पॉइंट अर्जित किया था इस बार बाहर से जाना पड़ेगा। रोहित रेड पर, राजू ने डबल थाई होल्ड का प्रयास किया था लेकिन नहीं, काफी एडवांस डबल थाई किया था। यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन आना बाकी है। यहां पर डिफेंडर को आउट दिया है भाई, रोहित पिछले मुकाबले में तिफायती साबित हुए थे, इस मुकाबले में क्या करते हैं।
काफी एक्टिव कॉर्नर है पर खड़े हैं राहुल, जो 8 नंबर जर्सी में है, कॉर्नर राइट कॉर्नर पर है राहुल, काफी अच्छा दमखम रखते हैं डिफेंस के प्रति। काफी एडवांस, काफी कड़क मुकाबला होगा ये। दोनों ही टीमें अलग अलग ग्राउंड पर प्रैक्टिस करती है, दोनों अपने खेल अनुभव से परे है। कवर को बाहर जाना पड़ेगा भाई, पर शूट मारा और बाहर किया 11 नंबर जर्सी चौगान के खिलाड़ी ने। काफी फुर्तीला रेडर है 5 नंबर जर्सी। रेडर आउट दे दिया गया भाई, ओनली यहाँ पर टच ही किया था मिड लाइन को, क्रॉस करना अनिवार्य है। रोहित रेड पर, यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर 6 नंबर जर्सी और गणेश को बाहर जाना पड़ेगा। रोहित को डेस करने का प्रयास किया था लेकिन सुपर टेकल ऑन। काफी एडवांस यहाँ पर राहुल ने, दोनों ही टीमें काफी तड़कती भड़कती टीमें हैं भाई। दोनों ही टीमों का डिफेंस काफी काबिलियत तारीफ है, ये जीत जान लगाने का कारण है फाइनल में प्रवेश करना। ये ऑल आउट दे दिया है शुरुआती लम्हों में ही टीम बजरंग क्लब जयपुर को। लॉइन जंप, गणेश ने डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया था लेकिन जंप ले लिया रोहित ने और इजाफा किया अपने खाते में। सिंगल थाई होल्ड राहुल का, एक हाईलाइट सी चल रही है मैच में। बारह पांच का स्कोर है, 5 पॉइंट है बजरंग क्लब जयपुर के और 12 पॉइंट है चौगान स्टेडियम के। रेड पर अनुज, काफी टाइट डिफेंस है चौगान स्टेडियम का। कवर पर किक खोलने का प्रयास लेकिन नाकामयाब रहे यहाँ पर 5 नंबर जर्सी। डू और डाई में रोहित,
अभी तक तिपाही तो साबित हुए हैं और इस रेड में लॉइन जंप बैक टू बैक, ये दूसरी लॉइन जंप है रोहित की, काफी अच्छी स्किल है इनके पास ये। ये सेकंड ही है भाई, काफी एडवांस यहाँ पर लोकेश ने। एडवांस दीपक ने काफी एडवांस मारा, लगभग कंट्रोल में आएगी ये थे, लेकिन मिड लाइन पास ही में थे इसलिए एक पॉइंट बजरंग क्लब के खाते में। यहाँ पर राहुल को बाहर जाना पड़ेगा भाई, बाहर कर दिया गया भाई, रेडर बाहर है, डेस हो गए भाई, सिंगल डेस किया यहाँ पर 11 नंबर जर्सी ने। हाफ टाइम और हाफ टाइम स्कोर इस प्रकार है, 7 है बजरंग क्लब जयपुर के और 15 है चौगान स्टेडियम के। 8 पॉइंटों से लीड में है टीम चौगान स्टेडियम और हाफ टाइम बाद पहली रेड बजरंग क्लब जयपुर की चौगान के कोर्ट में, स्कोर 7-15 का है, 8 पॉइंटों से लीड में है चौगान स्टेडियम। लंबी किक लेफ्ट कॉर्नर पर, हाफ टाइम बाद की पहली रेड अनुज की बजरंग क्लब के कोर्ट में। जंप मारा है, निकलना मुश्किल, अगर निकलते हैं तो ऑफिशियली सुपर रेड हो जाती है, लेकिन दबोच लिए गए भाई, निकलते तो सुपर रेड का चांस बन जाता था इनका, सुपर टेकल ऑन रेड पर रोहित। सुपर टेकल में फंस गए रोहित, काफी देर तक नजरें गड़ाए बैठे थे 6 नंबर जर्सी, मौके का इंतजार किया और टेकल को सफल बना दिया। डबल था अवार्ड दीपक, ये टेकल दीपक ने इनिशिएट किया था, कॉम्बिनेशन टेकल है। सुपर टेकल ऑन है, पिछले सुपर टेकल में रोहित फंस गए थे और इस सुपर टेकल में अनुज है,
लेकिन पिछला सुपर टेकल डू और डाई में था भाई। रोहित रेड पर, यही डिफेंस था और इसमें फंसे थे पिछली बार रोहित, और सुपर टेकल ने दिया गया था टीम बजरंग क्लब जयपुर को। डू और डाई, हाँ ये डू और डाई है। चौगान की डू और डाई है, मारेंगे डेस और लपेटा है, नहीं यहाँ पर डिसीजन दे दिया है सुपर टेकल। बैक टू बैक दो बार सुपर टेकल में फंस गए, और एक बार अनुज, पिछली बार रोहित, स्ट्रगल के दौरान डू और डाई में राहुल कवर पर जंप मारने का प्रयास, लेकिन राहुल नहीं छोड़ेंगे, राहुल ने राहुल को दबोचा भाई। रेड पर रोहित, काफी शानदार डिफेंस का मुजाहरा दिया है टीम चौगान स्टेडियम ने, लेकिन अभी तक बजरंग क्लब ने भी दो बार सुपर टेकल में फंसा है टीम। नजरे गड़ाए हुए थे लेकिन चक गए। यहाँ पर सेकंड हाफ फर्स्ट टाइम आउट चौगान स्टेडियम ने लिया है। मौके की तलाश की अनुज ने और पॉइंट को कवर किया। लास्ट पांच मिनट का मुकाबला शेष रह गया भाई, लास्ट पांच मिनट का मुकाबला शेष रह गया है। अगर निकलते तो सुपर रेड हो सकती थी। ऑल आउट बैक टू बैक दूसरी बार ऑल आउट दे दिया है टीम बजरंग क्लब जयपुर को। यहां पर रोहित ने रोहित ने गलती की और रोहित को बाहर जाना पड़ेगा। अंतिम चार मिनट का मुकाबला शेष रह गया है, जो भी कुछ करना है आपको अंतिम चार मिनट में करना होगा। बैक होल्ड, दीपक ने बैक होल्ड करने का प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब रहे भाई इस बार। अभी भी लगता है 10 पॉइंट की लीड हो सकती है। काफी चुर्ती पुर्ती रेड, दो है, निकलना नहीं पाएंगे भाई, काफी हार्ड ग्राउंड होने के कारण आप इसमें आप स्पाई करके नहीं निकल सकते। डू और डाई में रोहित, पिछली दो बार दबोच जा चुके हैं।
तीन मिनट का मुकाबला शेष रह चुका है दोस्तों। यहाँ पर राहुल सेल्फ आउट, सेल्फ आउट के साथ एक पॉइंट जुड़ा है चौगान के कोर्ट पर, चौक खाते में। रेड पर अनुज, अंतिम क्षणों में जाता हुआ मुकाबला। नहीं भाई, काफी एडवांस और एक्टिव डिफेंस। दो मिनट शेष रह गए इस मुकाबले में और काफी एडवांस टैकल करने का प्रयास, परशूट मारने का प्रयास था, लेकिन लोकेश ने यहाँ पर एडवांस करके एक पॉइंट बजरंग क्लब को गिफ्ट में दे दिया। मुकाबला वैसे ही समाप्त हो चुका है और ये मुकाबला जीत लिया है बजरंग क्लब, सॉरी चौगान स्टेडियम ने, और चौगान जा बैठी है फाइनल में। मुकाबला होगा टीम बरडवाल और चौगान स्टेडियम के मध्य।